ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस संसार की महान आत्माएं हैं, जिन पर रोज भगवान की नजर पड़ती है। सभी को याद रखना चाहिए कि रोज सवेरे सवेरे बाबा अपने हर बच्चे को दृष्टि देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, समस्याओं का हल सुझाते हैं। अगर सवेरे सवेरे हम अपनी बुद्धि को शांत करके, स्थिर करके योग में बैठेंगे तो बाबा के बहुत ही सुंदर अनुभव होते रहेंगे। इस सुंदर अमृत वेले को कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुंदर अनुभव कराता है। हम सभी ध्यान दें, ये जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय सब होती है, होगी ही। हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम ये न सोचें कभी हमारी हार हो ही नहीं, हम ये भी न सोचें कभी हमारी ग्लानि हो नहीं, हमारा अपमान कभी हो नहीं। देखिए, जो भी मनुष्य आज तक महान बना है, जिसका इतिहास में या धर्म के फील्ड में बहुत नाम है, उनको इन सभी बातों से बहुत गुजरना पड़ा। स्वामी विवेकानंद को ही लीजिए, अपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां से उनका नाम प्रख्यात हुआ, उन्हें कितने कष्ट झेलने पड़े, और नाम प्रख्यात होने के बाद भी उनका नाम बदनाम करने की कितनी कोशिशें हुई। लेकिन जो महावीर मनुष्य अपने लक्ष्य पर निरंतर अग्रसर रहता है, जो इन बातों को अपने मार्ग में बाधक बनने नहीं देता, जो इन पर कोई रिएक्ट नहीं करता, वो सचमुच अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, महान बन जाता है। तो आज का दिन हम सभी प्रभु मिलन के सुंदर अनुभव में रहेंगे। हम आपको बताए हैं कि रोज सवेरे और शाम बाबा से मिलन का सुंदर अनुभव, उसकी दृष्टि लेने का अनुभव, उसे वरदान लेने का अनुभव एक बार सवेरे एक बार शाम को अवश्य करना है, ताकि हमें प्रभु मिलन के सुखों का अभाव महसूस न हो। आज के लिए हम बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, क्योंकि हमें इस प्रकृति को पवित्रता की सकास देनी है, हमें वायुमंडल को पवित्र बनाना है, और इस संसार में जो काम वासना की आंधी चल चुकी है कि हर मनुष्य, युवक, बूढ़ा, बच्चा सब काम वासना से पीड़ित हो रहे हैं, हमें इसको समाप्त करना है। हम आत्माएं बहुत जिम्मेदार हैं, हम पूर्वज हैं, हमारी वाइब्रेशंस का इफेक्ट संसार की हर मनुष्य आत्मा तक जाता है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। हम ये न सोचे हमारे वाइब्रेशंस कुछ काम करेंगे या नहीं, हम जड़ों में हैं। अगर जड़ों में पानी डाला जाता है तो उसका इफेक्ट पूरे वृक्ष पर तत्काल देखा जा सकता है, पौधे पर देखा जा सकता है। हम भी पूर्वज हैं, पवित्र वाइब्रेशंस जब संसार को देंगे तो तुरंत संसार में भी जैसे हरियाली आ जाएगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर मेरे ब्रेन को जा रहे हैं, पूरे देह में फैल रहे हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हैं, ब्रेन को डिविनाइज कर रहे हैं, और फिर चलेंगे परम धाम, पवित्रता के सागर के पास कुछ देर बैठेंगे, उसकी पवित्र किरणें हम में समा जाएंगी, फिर नीचे आएंगे, भ्रकुटी सिंहासन पर बैठेंगे। ये ड्रिल 10 बार भी कर सकते हैं सवेरे शाम, लेकिन हर घंटे में 2 बार जस्ट एक एक मिनट के लिए करनी है। इससे हम संसार को सकास दे पाएंगे।
और ये हमारे लिए भी बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। तो आज सभी ये अभ्यास करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आज का आपका दिन पवित्र वाइब्रेशंस फैलाते हुए व्यतीत होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।